अब मैं आप लोगों को दो दो के ग्रुप में डिवाइड करूंगा, राहिल और चांद, आप दोनों का एक ग्रुप हो गया। फरिया से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। राहिल, होश में हो तुम? क्या बात कर रहे हैं पता है तुम्हें? मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने क्या? मैं समझती हूँ आपा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ फरिया? मैंने सब सुन लिया, सब समझ आ गया मुझे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अब मुझे और फरिया को सृष्टि से आजाद कर दो। आज से वो मेरी जिम्मेदारी, मैं आयशा को हमारी पहली औलाद तसव्वुर करके पालूंगा। थैंक यू राहिल। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ना कुछ खाती हो ना पीती हो, इस तरह तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगी तुम। आज वो दोनों एक हो गए, सब खत्म हो गया। मेरा मशवरा मानो तो अब राहिल को भूल जाओ। तो क्या मौत को गले लगा लो? क्या अहमकाना बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? मैं उसे सिर्फ मरने के बाद भूल सकती, इस जिंदगी में उसे भूलना बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, इकराम अब भी हमारे जवाब के मुंतजर है, बहुत खुशहाल घराना है, एंड आई एम श्योर तुम वहां बहुत खुश रहोगी। मैं अगर खुश रह सकती हूँ तो सिर्फ राहिल के साथ। उसके अलावा अगर आप मेरे लिए सोने के ईंट का महल भी बनवाएंगी ना, वो भी मुझे कबूल नहीं। फरीहा, राहिल तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, अब उसका मातम करके सिवाय अपनी जिंदगी बर्बाद करने के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कुछ और सोच रही। अब क्या सोच लिया तुमने? मैं यहां बैठ के मातम नहीं करूंगी, मैं चांद से राहिल को फिर से छीनने की कोशिश करूंगी और बर्बाद कर दूंगी उसे। देखो, अब मैं तुम्हें इस बात का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि अब वो दोनों मियां बीवी बन चुके हैं, और फिर चांद की कोई कमजोरी भी तो नहीं है अब ऐसी। कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी मामा, जरूर कोई ऐसी कमजोरी होगी जिससे हम फायदा उठा सकें। मैं राहिल को चांद से छीन लूंगी, या तो कुछ ऐसा करूंगी कि राहिल को चांद से नफरत हो जाए। मैं चांद का चेहरा भी बिगाड़ सकती ताकि राहिल को उससे कराहत महसूस हो, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं खुद को बर्बाद कर दूंगी। अब राहिल मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिद है, और चांद की जिंदगी बर्बाद करना और फिर राहिल को पाना, यही मेरी जिंदगी का मकसद। मेरी जिंदगी की कठिन तरीन रात, इससे पहले भी कई रातें गमों के समंदर में गुजार चुका, मगर आज की रात सबसे तकलीफ दे रात। ऐसा लग रहा है मैं डूब रहा हूं, मेरी सांसें बंद हो रही हैं, ये सोचकर कि आज चांद मेरी नहीं रही। शायद इसकी वजह राहिल, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार, मेरा दुश्मन जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। लेकिन दरअसल चांद ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी सोच और गुमान में भी नहीं था कि मैं चांद को खो दूंगा, मगर एक कि अब मैं चांद को खो चुका हूँ हमेशा के लिए। ऐसा लग रहा है चांद ने मेरी गुर्बत और मोहब्बत दोनों का मजाक उड़ाया। मेरा अंजाम क्या होगा ये नहीं पता, बस
दिल से एक आ निकलकर होठों पे शेर बनकर ये अल्फाज आते, जिंदगी अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे, इस गम से अच्छा है कि मेरा दम निकल जाए। इश्क न माना दर्द न जाने, इश्क न माना। राही चांद के साथ साथ आयशा पे भी जान छिड़कता है, हमारे लिए तो ये बड़ी खतरे की बात है। हमें किसी तरह ना दोनों में इख्तलाफात पैदा करने होंगे, एक दफा दोनों में दूरी आ जाए तो इन दोनों में झगड़ा कराना आसान होगा। फरिया एक बात बताओ, वो चांद की जिससे मंगनी हुई थी ना, क्या नाम था उसका, सिकंदर, हाँ वो चांद से मोहब्बत करता था ना, और राहिल और उसके दरमियान नफरत थी, राइट? हाँ, लेकिन आप क्यों ये पूछ रही है खाला? वो चांद से मोहब्बत करता था ना, ये बताओ, और उसका मसला शायद वो गुर्बत वगैरह था, राइट? हाँ, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है खाला? अच्छा ये बताओ कि वो सिकंदर इस वक्त कहाँ है, और इस शादी के बाद उसका क्या रिएक्शन है? खाला क्या हो रहा है, उसका भी वही हाल है जो मेरा हाल है। एक आइडिया है, हम उसकी गुर्बत, उसकी चांद से मोहब्बत और राहिल से नफरत का फायदा हम भरपूर उठा सकते हैं। वो कैसे? मेरी बात गौर से सुनो और उस पे अमल तुमने करना है। अब जिस तरह से मैंने कहा है उसी तरह सही वक्त पे अगर हमने पत्ती फेंके तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा, हमारा नाम भी नहीं आएगा। खाला मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अब मेरी जिंदगी का मकसद चांद को बर्बाद देखना और राहिल को पाना ही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरी क्या हालत हो रही है, उसने राहिल के साथ साथ मेरे डैड को भी मुझसे दूर कर दिया है। उसने पता नहीं क्या जादू कर दिया डैड पर, डैड को बेटी से ज्यादा बहन अजीज हो गई है और वो भी सुतेली। तो फिर तैयार हो ना चांद की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? हाँ मैं बिल्कुल तैयार। मैं सोच रहा था फरिया क्यों नहीं आई हमारी शादी पे। हाँ भाई राहिल ठीक कह रहा है, फरिया को शादी में आना चाहिए था, क्यों नहीं आई वो? हाँ वो तो आना चाह रही थी, बल्कि सारी तैयारियां भी कंप्लीट थी उसकी, मैंने फोन किया था पहले तो मैं समझी शायद वो हमसे नाराज है या कुछ, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ सकेगी। वैसे एक बात बताऊं, राहिल और चांद तुम दोनों को जिंदगी का यह हसीन सफर बहुत मुबारक। थैंक यू। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं देखता हूँ क्या। राहिल तुम कैसे संभालोगे, ये हमारे काम है हमें करने दो। राहिल आंटी ठीक कह रही, मैं बस आयशा को माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब? आज से पहले तो तुम्हें मैंने यहाँ नहीं देखा। ओ हाँ इस गली में ही तो तुम्हारा घर है। राहिल का प्रॉब्लम बस ये है कि उसे कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन जब वो पा लेता है तो उससे उसका दिल कब भर जाए ये नहीं पता। थोड़ा थोड़ा चलना।
रिया तुम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सब खैरियत है ना? मोहब्बत में शिकस्त खाया हुआ एक दिल जला दूसरे दिल जले से मिलने आए। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे थे काफी दिनों से, सोचा तुम्हारा हाल ही पूछ लूं, तुम जिंदा भी हो के मर गए। काश ये सब देखने से पहले मैं मर जाता। एनीवेज फरिया मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इससे क्या होगा सिकंदर? इस तरह क्या तुम चांद को भुला पाओगे? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं है फरिया। क्या करूं, चांद की बेवफाई का मातम करूं? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है वो दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी आते हैं, दोनों का प्यार साली प्यार बन गया और दोनों का कपल इतना फेमस है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? अच्छा छोड़ो इस बात को, हमारी चांद से बात हुई, उसने तुमसे पूछा कि तुम इतने टाइम से यूनिवर्सिटी से क्यों गायब हो? नहीं। अब वो तुम्हें कहाँ याद रखेगी सिकंदर? अब तो बस राहील की बाहों में जिंदगी के मजे उड़ा रही। ऐसे में उसे कब याद आने लगा है कि यहाँ पर उसका कोई गरीब दोस्त भी रहता है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ होता था। वैसे सब अपने वक्त के बाप होते हैं, जैसे ही वक्त बदला खुद भी बदल जाते। चांद ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया और राहिल ने इजहार बन के हमारे दरमियान इख्तलाफात के बीच बोए। चांद ने मंगनी तोड़ दी, उन्होंने मेरा तमाशा बनाया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा फरिया। मजाक तो राहिल ने मेरा भी उड़ाया, तमाशा उसने मेरा भी बनाया है शादी कैंसिल करके। कि मैं तुम्हारी तरह चुप नहीं बैठ सकती, मुझे बदला लेना है और हम अपना बदला ले सकते। हेलो राहिल, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हो रही थी तो सोचा हाल हवाली पूछ लूं। अच्छा वैसे तुम कहाँ हो, घर पर हो क्या अभी? नहीं, ड्राइव कर रहा हूँ। फिर मैंने तुम्हें ऐसे ही परेशान कर दिया, मैं समझ रही थी कि तुम घर पर हो। कोई बात नहीं, बोलो। वैसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सिकंदर से अब तुम्हारी दोस्ती हो गई। वैसे लड़ाई की कोई वजह भी तो नहीं थी। ये सब तुमसे किसने कहा? मतलब मुझे कौन कहेगा, वो तो मुझे आजकल पता चला है कि सिकंदर तुम्हारी घर आ रहा है। क्या बोल रही हो तुम? तुमने जिससे भी सुना बिल्कुल गलत सुना, वो तो मेरे घर बिल्कुल नहीं आता, मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं हुई है। ओह आई एम सो सॉरी राही, दरअसल मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें खबर है ही नहीं। तो शायद चांद ही उसे बुलाती होगी, है तो वो उसका दोस्त ना। राही सिकंदर वो शख्स है जिसके कंधे पे चांद सर रख कर रोती थी। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब, आज से पहले तो तुम्हें मैंने यहाँ नहीं देखा।
ओ हाँ, इस गली में ही तो तुम्हारा घर है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा यहाँ से गुजरना तुम्हें बुरा लगेगा। वैसे यहाँ से गुजरने पे कोई पाबंदी तो है नहीं ना? खैर, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। बोलो सिकंदर, क्या खबर है? जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया फरिया। वाओ, दैट्स गुड। फरिया, ये सब कुछ करना कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या? सिकंदर, तुम्हें क्या हो गया? जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। तुम खुद सोचो, जब चांद ने तुमसे मंगनी तोड़ी थी तो क्या उसने सोचा था कि उसने सही किया है या गलत? और जब राहिल ने मुझसे शादी कैंसिल की तो क्या उसने सही गलत का सोचा था? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। कहीं सिकंदर मुझे और चांद को अलग करने के लिए कोई मंसूबा तो नहीं बना रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका वहां नजर आना कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मैं किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करना चाहता। आप आ गए। आंखें मत खोलो, तुम्हारे लिए छोटा सा सरप्राइज है। क्या है? बस आंखें नहीं खोलना, आंखें खोलो। तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया। अब तो एक ही ख्वाहिश है चांद, सारी जिंदगी इसी तरह एक दूसरे की मोहब्बत में गुजर जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा ना। तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसकी खुशी का ताल्लुक उसके शोहर से ही होता है, और अगर शोहर खुश तो बीवी खुश, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बहुत खुश हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी सिकंदर से कोई बात हुई? वो कैसा है, कहाँ है आजकल? मेरी सिकंदर से कोई बात नहीं हुई क्योंकि उसका नंबर ही डिलीट हो गया है मेरे फोन से। लेकिन आप पूछ क्यों रहे राय? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा दफा करो उसको, अच्छी सी चाय पिलाओगी? मैं अभी लेकर आऊं। कहाँ जा रही हो? वो मैं आयशा और राहिल को ढूंढ रही थी। राहिल का फोन भी बंद जा रहा है तो इसलिए बस। यहीं कहीं होंगे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आयशा राहिल को परेशान ना करे। फिकर मत करो, राहिल अपनी जान छिड़कता है आयशा पे जैसे उसकी अपनी बच्ची हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी,
राहिल वाकई आयशा के बहुत अटैच हो गए। हाँ वो तो नजर आ रहा है, और अल्लाह करे हमेशा ऐसा ही हो। राहिल को जानती हूँ मैं, वो बिल्कुल भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है, उसका मिजाज तो हर दिन बदलता है। पर आंटी जहां तक मेरा ख्याल है, राहिल एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। तुम्हें शायद बुरा लगा है, मैं राहिल की बुराई नहीं कर रही हूं, मैं उसे बचपन से जानती हूं, वो थोड़ा जिद्दी है लेकिन मुझे तो वो बेटों की तरह अजीज है और वो मेरी रिस्पेक्ट भी करता है। मैंने ये सब कुछ कहा क्योंकि मैं फिक्रमंद थी। राहिल को अगर कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन जब अगर उसे मिल जाती है ना वो चीज, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है उसके सामने। राहिल का प्रॉब्लम बस ये है कि उसे कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन जब वो पा लेता है तो उससे उसका दिल कब भर जाए ये नहीं पता। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां मामला चीजों का नहीं है, यहां मामला तो रिश्तों का है। पर आंटी मैं समझ नहीं पा रही, क्या आप मुझे डरा रही हैं? मैं डरा नहीं रही हूं तुम्हें, मैं तो तुम्हें समझा रही हूं, खबरदार कर, क्योंकि मुझे और नौमान को ये पूरा यकीन है कि तुम ही हो जो राहिल को बदल सकती हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है, चांद तो अभी भी सिकंदर से मिलती है। और सच बताऊं मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि चांद तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं चांद, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। एक काम क्यों नहीं करती हो कि तुम बाहर मिल लो मुझसे किसी रेस्टोरेंट में। अच्छा ठीक है सिकंदर। अस्सलामुअलैकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आ गए भाई तुम लोग? अस्सलामुअलैकुम। बैठो। खैरियत? आपने बुलाया। राहिल मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम बिल्कुल बदल गए हो। मेरा मतलब है तुमने पहले जैसी गैर जरूरी एक्टिविटीज छोड़ दी है। थैंक यू डैड, लेकिन मेरे चेंज होने में चांद का बहुत बड़ा हाथ है। जानता हूँ मैं, और मुझे इस बात की तो और खुशी होती है कि तुम्हें एक सुलझी हुई मैच्योर्ड बीवी मिली है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। जब से तुम दोनों की शादी हुई है मेरी परेशानियां राहिल के हवाले से कम हो गई, बल्कि यूं कहें कि बिल्कुल खत्म हो गई है, और इसका क्रेडिट जाता है चांद तुम्हें। थैंक यू अंकल, आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। एनीवे मैंने एक फैसला किया है और इसी सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया है। कैसा फैसला? देखो मैं एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कम से कम एक महीना लग जाएगा मुझे। मैं चाहता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी जगह संभालो। डैड मुझे इन चीजों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस तरह से कैसे संभाल सकता हूँ? तुम घबराओ मत, मैनेजर तुम्हें सब कुछ गाइड कर देगा। देखो दरअसल मेरा मकसद यह है कि तुम काम सीखो और तजर्बा लो, भाई बाद में तो तुम दोनों ने ही सब कुछ संभालना है। राहिल अंकल ठीक है सर, एक्सपीरियंस तो प्रैक्टिकल करने से ही आता है, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको अंकल की बात मान लेनी चाहिए। सही राइट, फिर सब ठीक समझो। चलें, क्या हो गया है? आपको ऑफिस जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल दिल नहीं चाह, फिर जा रहे हैं घर पे रहूं।
तुमसे बातें करता रहूं, तुम्हारे साथ अच्छी सी मूवी देखूं, फिर लंच करने जाएं। पता है तुम मेरी सिर्फ बीवी नहीं, मेरी जिंदगी हो, मेरी दोस्त हो। जो वक्त तुम्हारे बगैर गुजरता है ना, कल ऐसा लगता है कि वो वक्त मैंने जाया कर दिया। चंद घंटों की बात है राहिल, फिर आप वापस आ जाएंगे साथ में डिनर करने। शादी के बाद तुम कितनी सख्त हो गई। चलो फोन करूंगा ऑफिस से। बाय। हाय। बोलो फरिया। देखो सिकंदर, राहिल एक दो दिनों से ऑफिस जाने लग गया है और ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम अपना प्लान स्टार्ट कर दें। मुझे क्या करना है ये बता। तुम मेरी बात गौर से सुनो, ऐसा समझो कि हमारा प्लान स्टार्ट हो गया और अब हमें हर कदम बहुत सोच समझ के और एहतियात से उठाना है। जब मेरी कहीं जरूरत हुई तो बता देना, आ जाऊंगा। क्या मतलब है जरूरत? अभी जरूरत है तो मैंने तुम्हें फोन किया है ना। तो फिर वक्त क्यों जाया कर रही? बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ओके बाय। राहिल, फरिया कहाँ हो यार तुम, आजकल नजर ही नहीं आती हो। वाह क्या बात है तुम्हारी, ये तो वही मिसाल हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो यहाँ ही रहती हूँ राहिल, लेकिन तुम आजकल बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास हमारे लिए कहाँ टाइम है। अब दिन को तुम ऑफिस में होते हो, रात को चांद की चांदनी में बिजी होते हो, इस तरह तुम्हारे पास मेरे लिए कहाँ टाइम होगा। क्या करूं यार, डैड ने बुरी तरह से बिजनेस में फंसा दिया है। अब वो 15-20 दिन में आएंगे, उसके बाद टाइम ही टाइम होगा, फिर जो बोलोगी वो करेंगे। अच्छा ये बता, शादी के बाद वाली जिंदगी कैसी है? सच पूछो तो बहुत ही अच्छी, कसम से फरिया, चांद बाकी बहुत अच्छी लड़की, उसको जितना चाहा जाए उतना कम है, उससे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा क्या वो भी तुमसे प्यार करती है या सिर्फ तुम ही उससे प्यार करते हो? ये सवाल तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। वैसे मुझे तो लगता है वो मुझे ज्यादा चाहने लगी है, जितना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ अब लगने लगा है कि उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत वो मुझसे करती है। पता है मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल सिकंदर कहाँ है, लगता है उसने पढ़ाई भी छोड़ दिया। हाँ बड़े अरसे से उसको मैंने भी नहीं देखा, बस एक बार यहाँ बाहर नजर आया था घर के। वो यहाँ क्या कर रहा था? ओह चांद ने बुलाया होगा ना। चांद क्यों बुलाएगी उसे? राहिल एक बात तो सच है, औरत समझौते में शादी तो कर लेती है लेकिन अपनी पहली मोहब्बत कभी ही नहीं भूलती। तुम कहना क्या चाह रही हो फरिया? राहिल तुम तो जानते ही हो ना कि सिकंदर चांद की पहली मोहब्बत है और मामूली से झगड़े की वजह से उनकी मंगनी टूट गई थी, इस तरह मोहब्बत थोड़ी खत्म होती। फरिया वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, कुछ प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस के बाद वो रिश्ता भी खत्म हो गया। ये तुम्हारी गलत फहमी है, चांद तो अभी भी सिकंदर से मिलती है। और सच बताऊं मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि चांद तुम्हें धोखा दे रही है, उस शख्स को धोखा दे रही है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। फरिया क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें पता है इस तरह किसी पर इल्जाम लगाने का अंजाम क्या हो सकता है? राहिल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिकंदर यहाँ आता है चांद से मिलने के लिए। फरिया अगर ये सब कुछ झूठ निकला तो? तुम खाला से पूछ सकते हो, मेरा मकसद तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है, मैं सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें समझा रही हूँ कि सिकंदर से उसे ना मिलने दो।
राहिल, बात तुम्हारी इज्जत की है और खाला को भी उसका यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ बुरा बोले ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये बातें तुम नहीं समझते, तुम समझते ही नहीं हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती। खैर छोड़ो इन बातों, मुझे घर ड्रॉप कर। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा व्यक्ति जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती थी, अब वो मेरे दिल की धड़कन बन जाएगा। तुमने तो कमाल कर दिया राय, तो चांद ने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर दी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। एक बात तो सच है, औरत समझौते में शादी तो कर लेती है लेकिन अपनी पहली मोहब्बत कभी ही नहीं भूलती। तुम तो जानते ही हो ना कि सिकंदर चांद की पहली मोहब्बत, और मामूली सी झगड़े की वजह से उनकी मंगनी टूट गई थी। इस तरह मोहब्बत थोड़ी खत्म होती। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि चांद तुम्हें धोखा दे। राहिल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिकंदर यहाँ आता है चांद से मिलने के लिए। खालों में खोए हुए राहिल? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से आप काफी परेशान हैं। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी नहीं है। अगर ऑफिस की कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करें, हो सकता है शायद मैं कुछ सॉल्व कर सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा है इसलिए शायद थक जाता हूँ। वैसे भी दो चार दिन में डैड आ जाएंगे, फिर सब सही हो जाएगा। तुम बताओ, सब सही है ना? सिकंदर से हुई मुलाकात? क्या आप मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ, ऐसे ही पूछा था। यूं ही कभी कभी बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आ जाता है,
तुम्हें पता है ना, मेरी और उसकी कभी दोस्ती नहीं हुई। खैर छोड़ो, I'm sorry, मैं तुम्हें ऑफिस की वजह से आजकल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बस दो चार दिनों की बात है, डैड आ जाएंगे, सब सेट हो जाएगा, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। सिकंदर, मैंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। राहिल के चेहरे से लग रहा था कि जब मैं उसे उकसा रही थी तो उस पर असर हो रहा था। तो फिर बस अब आग लगाने की जरूरत है, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता रहूंगा। जान, मैं चाहता हूँ कि ये अंगूठी दोबारा पहन। सिकंदर, हमारा रिश्ता टूट चुका है, अब मैं इसे किस हैसियत से पहनूं? मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुमसे प्यार करता। सिकंदर, तुम राहिल की तरह रिएक्ट कर रहे, खुदा के लिए मुझे फोर्स मत कर। हेलो, कौन? मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ। सिकंदर, तुम भूल गई हो क्या मुझे? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव नहीं था इसलिए। अच्छा, वो तुमने कांटेक्ट कर लिया, बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आयशा कैसी है? हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? I'm sorry, जान, हमारी जो भी आखिरी बात हुई थी वो कुछ खास अच्छी नहीं हुई थी। वक्त हालात सिचुएशन को समझना चाहिए। मैं वाकई उस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे समझना चाहिए था। Once again, I'm sorry. कोई बात नहीं सिकंदर, जो हुआ उसे भूल जा। अच्छा चांद, तुम मुझसे मिल सकती हो? मैं क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो काफी दिनों से तुमसे और आयशा से मिला नहीं ना। तुम जानती हो कि हम दोनों का रिश्ता मेरे लिए कितना है, मेरा मतलब है दोस्ती का रिश्ता, और तुम दोनों के अलावा मेरा जिंदगी में कोई है भी नहीं। अच्छा तो तुम एक काम करो कि तुम घर चक्कर लगा लो। नहीं नहीं चांद, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। राहिल और मेरे बीच में हमेशा से अनबन रही, और अगर वो आ गया तो एक चीप ऑकवर्ड। खैर, एक काम क्यों नहीं करती हो कि तुम बाहर मिल लो मुझसे किसी रेस्टोरेंट में। अच्छा ठीक है सिकंदर, मैं सोच के बताती हूँ। ओके जान, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। खुदा हाफिज़। मुझ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, शक कर रहे हैं मुझ पर। राहिल, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मैं चांद की चौकीदार थोड़ी हूँ, अगर उसका नंबर ऑफ जा रहा है तो बाद में फोन कर लेना। एक्चुअली मेरी रात में उससे फोन पे बात हुई थी, लेकिन अभी उसका नंबर बन जा रहा है, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। राहिल, तुमने जो नंबर्स की लिस्ट दी थी मुझे, मैंने वो अच्छे तरीके से चेक किया, उनमें से एक नंबर सिकंदर का ही है।